तहत सभी दिन रात, केव हे कारीगर तो केव बेचनिहार, केव मालकिन अपन करत व्यापार, रोजगार खोजे ले हम इन परदेश ना जाऊं रे, एकरा छोड़ी दादा हम इन कहाँ जाऊं रे, कते सुंदर प्यारा भिंडरा हमर गाँव रे, एकरा छोड़ी दादा हम इन कहाँ जाऊं रे। सूरज उगने से पहले घरों की छतों और खपड़ों से उठता धुआं परिश्रम की कहानी बयां करता है। ये धुआं रसोई के चूल्हे का नहीं, बल्कि भट्टियों में जलते कोयले और उनकी तपिश में जलने वाले लोहे का है। और इन लोहे से बनता है किसानों के लिए कृषि औजार, योद्धाओं के लिए हथियार और गृहस्थों के लिए घर के सामान, और इससे बनाते हैं लोहे के ये शिल्पकार जिसे हम कहते हैं लोहार। यह है लोहारों की बस्ती भेंडरा, जहां 50% से अधिक लोहार जाति के लोग बसते हैं। भेंडरा बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड में जीटी रोड से करीब 8 किलोमीटर दूर जैनियों के प्रमुख तीर्थ पारसनाथ की तराई में स्थित है। राज्य में कोरोना के 130 एक्टिव केस, 6 से 12 नए मरीज मिले, 20 हुए स्वस्थ। देश में एक दिन में टीकाकरण का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पार। राज्यपाल ने राष्ट्र के विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को बताया अहम, जरूरतमंदों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की सुलभता के वास्ते सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। केंद्र सरकार की कोशिशों से जीडीपी में बम्पर उछाल, पहली तिमाही में जीडीपी की विकास दर में 20.1% का इजाफा। और खूंटी में मनरेगा मजदूरों की आमदनी दुगुनी करने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति की शुरुआत, 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में मजदूरों ने सीखे स्वरोजगार के गुर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये महत्वपूर्ण संदेश। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर से लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी सुरक्षित तरीके से बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है।
और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के को करेंगे जारी। श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी स्कॉन की स्थापना। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 41,965 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33,964 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। 965 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं पिछले 24 घंटों में 33,964 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.51% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 3,78,181 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.58% है, जो कि लगातार 68 दिन से 3% से कम पर बना हुआ है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61% पर हो गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। राज्य में फिलहाल कोविड के 130 मामले सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मात्र 12 नए संक्रमित मिले, जबकि 20 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 98.48% है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 65,41,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,33,00,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा खुराक देने का रिकॉर्ड है। वहीं अगस्त महीने में 18.3 करोड़ से अधिक डोजेस दी जा चुकी हैं। इधर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के टीकाकरण अभियान में कीर्तिमान गढ़ने पर प्रसन्नता जताते हुए इसे बेहतरीन पब्लिक डिलीवरी का परिणाम बताया। टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या कई देशों की जनसंख्या से दोगुनी या फिर तिगुनी है। टीकाकरण अभियान की पहुंच और कुशल सार्वजनिक वितरण एक उल्लेखनीय कहानी है। ये वास्तव में सबका प्रयास है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी टीकाकरण का कीर्तिमान गढ़ने के लिए समस्त देशवासियों को बधाई दी है। जय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के निरंतर मार्गदर्शन और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से ये कीर्तिमान संभव हो पा रहा है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से मुक्ति की कामना को लेकर रामगढ़ में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। रामगढ़ के वयोवृद्ध पंडित व्यायदेव पांडेय ने अपने आवास में वैदिक अनुष्ठान कराया, जिसे काशी से आए आचार्यों ने संपन्न कराया। यह हवन पूजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह वैदिक अनुष्ठान कोरोना संक्रमण से विश्व समुदाय को निजात दिलाने के लिए हो रहा है। रामगढ़ के वयोवृद्ध पंडित व्यास देव पांडे के आवास में संपन्न इस वैदिक अनुष्ठान को काशी से आए आचार्य ने संपन्न कराया। इस क्रम में हवन और आरती के बाद पंडित व्यास देव ने पिछले डेढ़ महीने में 26,851 ओम नमः शिवाय लिखी डायरी आचार्य को माध्यम बनाते हुए भगवान विश्वनाथ को अर्जी लगाने के लिए सुपुर्द किया। वहां मैंने 26,851 ओम शिवाय नमः लिखकर मैंने तैयार किया और मैंने बाबा विश्वनाथ के यहाँ समर्पित किया। विश्वनाथ एक नाथ समूह का नाथ है। यह विश्व को पान करने वाला है, तांडव भी करने वाला है। मुख्य उद्देश्य है कि शांति हो और विश्व में शांति हो, सभी का कल्याण हो। काशी से आए आचार्य ओम प्रकाश पांडे का कहना है
कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए सभी धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में भगवान शिव को ही आराध्य मानकर पूर्णाहुति कराई गई। इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक महामारी जो कोरोना आज इतने लोगों को की जिंदगी को ले लिया, उससे सभी लोग उभर जाए, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ काशी से पधार करके व्यासदेव पांडे जी के यहाँ हमने रुद्राभिषेक किया, हवन किया, और इन्होंने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया है जो कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 26,800 नाम लिख करके और इन्होंने एक उसकी पहिप तैयार की, कॉपी तैयार किया, जो कि हमको समर्पित कर रहे हैं और हम इसको ले आकर बाबा विश्वनाथ को समर्पित करें। कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए लोग न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं बल्कि अपने अपने तरीके से प्रार्थना में जुटे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज से पोषण माह का आगाज हो गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में पोषण माह के अंतर्गत पोषण वाटिका कार्यक्रम का आगाज किया। कि आए हम सब इस बात को समझें कि वेल बीइंग और होलिस्टिक हेल्थ जो अब एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो हमारे लिए यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ सदियों से सिविलाइजेशनली रह चुका है। मैंने कोटेरिया जी से आग्रह किया कि कल्चरल कब्जा ना हो प्राणायाम पर, इसका आप ध्यान दें। आज जीआई का जमाना है और ये जीआई हिंदुस्तान के पास रहे, इसकी आप चिंता निश्चित रूप से करेंगे। होलिस्टिक वेलबींग और ग्लोबल हेल्थ के मार्केट साइज को अगर देखें तो आज ये समझ में आता है कि वर्तमान का आयुर्वेद का मार्केट साइज 1,00,000 करोड़ रुपया है। और आज शायद महिला बाल विकास मंत्री के मुख से मार्केट साइज की बात सुनकर आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन सत्य यह है कि जो इकोनॉमिक फोर्स है एक मार्केट के पीछे, वो कई बार डिटरमिन करती है कि कंज्यूमर किस ओर खींचा जाएगा। कार्डियोथोरेसिक ब्रीदिंग की बात कही तो ये भी सत्य है कि आजकल कई कॉफी एस्टेब्लिशमेंट में ट्यूमरिक लाते भी पाया जाता है। पोषण माह के दौरान अनेक जागरूकता कार्यक्रम होंगे ताकि बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं में व्याप्त कुपोषण की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। चिकित्सकों ने भी स्वस्थ शरीर के लिए पोषण को महत्वपूर्ण बताया है। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रिसर्च अवार्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राष्ट्र के विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी मेधा से विभिन्न कंपनियों को सलाह देकर देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनकी बदौलत ही देश में अनेक आर्थिक सुधारों को सही दिशा मिल पाई है। राज्यपाल ने जरूरतमंद लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के वास्ते सामूहिक प्रयास पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार की कोशिशों से जीडीपी में बम्पर उछाल हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में जीडीपी के विकास दर में 20.1% का इजाफा हुआ है। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अप्रैल से जून तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद 32,38,000 करोड़ रुपए रहा। बीते साल की पहली तिमाही के मुकाबले ये 20.1% ज्यादा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच बीते साल इसी तिमाही में 24.4% की गिरावट दर्ज की गई थी और तब जीडीपी 26.95 लाख करोड़ पर थी। आर्थिक विकास दर पहली तिमाही में 20.1% पर रही, जो महामारी के 90% के स्तर पर पहुंच चुकी है। कोरोना के वैक्सीनेशन में तेजी से विकास को गति मिली है और बीते साल 4.7% के मुकाबले फिलहाल 24.5% जनसंख्या को टीके लग चुके हैं। खेती बाड़ी में रिकवरी महामारी के पहले की स्थिति से भी बेहतर हो चुकी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का रिकवरी स्तर 96% पर है। प्री कोविड लेवल इस साल प्री कोविड लेवल से ज्यादा ही आएगा और जिस तरह के आंकड़े आए हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेडिक्शन दिया था और बजट में जो प्रेडिक्शन था
वो इस बार आना चाहिए। इस साल में जिस तरह की पहले तिमाही में जो आंकड़े आए हैं उससे लग रहा है कि जो हमारा अनुमान था बजट के समय वो अनुमान एक्चुअली सही होना चाहिए। तो ग्रोथ के संदर्भ में तो एक्चुअली जो प्री पैंडेमिक उससे ज्यादा ग्रोथ इस साल आनी चाहिए और आगे बढ़ के भी आनी चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर कई आंकड़े हैं जो रिकवरी को लेकर बेहतर संकेत दे रहे हैं। देश में ऊर्जा की खपत और उत्पादन में 18% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। जीएसटी संग्रह की स्थिति भी हर माह औसतन 1,00,000 करोड़ रुपए के पार दर्ज की जा रही है। माल की ढुलाई, ई टोल कलेक्शन, ऑटो सेल्स के आंकड़े प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुके हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में बिक्री की रफ्तार 5 सालों में सबसे बेहतर दर्ज की गई है। साथ ही बैंकों का एनपीए मार्च 2020 में 2.3% के स्तर पर नजर आया और शुद्ध मुनाफा 31,816 करोड़ रुपए रहा। 2020 में एफडीआई निवेश $80 अरब के पार रहा और एफपीआई निवेश $36.2 अरब से ज्यादा। महंगाई को लेकर भी राहत के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। खुदरा महंगाई दर 3 महीने के निम्नतम स्तर पर नजर आई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक संरचनात्मक सुधारों की दिशा, बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश में तेजी, बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी और कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी से अर्थव्यवस्था को काफी सहारा मिल रहा है और अगले साल तक विकास दर में स्थिरता आने के संकेत मिलने स्पष्ट शुरू हो गए हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस विराम के बाद। कोरोना संकट पूरे झारखंड को तबाह किए हुए है, तो इससे बचने के लिए अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और कोशिश करें कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनी रहे। बचने संक्रमण से वैक्सीन लगाओ, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में हाई पावर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अलावा अन्य विभागीय सचिव भी मौजूद थे। बैठक में सदन के सुचारू संचालन को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा जताया कि सबके सहयोग से विधानसभा सुचारू तरीके से संचालित हो सकेगी। देखिए, हर बार सत्र आउट होने के पूर्व हम लोगों को कई फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। उसी फॉर्मेलिटीज के क्रम में आज हम लोगों ने जो आगामी 3 तारीख से विधानसभा सत्र आहूत है उसके लिए हाई पावर कमेटी के बैठक बनाए, सारे सेक्रेटरीज को बुलाए और सत्र के दरमियान जो जो आवश्यकता होता है, विधानसभा के तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हो, सवाल जवाब के परिप्रेक्ष्य में हो, विधेयक के परिप्रेक्ष्य में हो, जो जो आवश्यकता होता है इन तमाम चीजों पर हम लोग विचार विमर्श। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गिरिडीह में क्षेत्र भ्रमण किया और मतदाता पुनरीक्षण में सभी पात्र लोगों का नाम शामिल करने पर बल दिया। गिरिडीह में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजधनवार, तिसरी एवं गिरिडीह में वैसे बूथों का निरीक्षण किया जहां पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम था। अभी मतदाता सूची में एक एक आदमी का नाम का दर्ज करना आवश्यक है, उसी के लिए हम लोग फील्ड विजिट के लिए आया, कुछ सैंपल सर्वे तरफ से। इस दौरान उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण में सभी पात्र लोगों का नाम शामिल करने पर बल दिया। हाउस टू हाउस सर्वे के लिए हम लोग यहाँ पर आया। गिरिडीह में क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट उन्नति के वैसे मनरेगा मजदूरों के लिए यह एक नई योजना है जो मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके हैं।
खूंटी जिले में मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले महिला पुरुष मनरेगा मजदूरों के लिए प्रोजेक्ट उन्नति के तहत 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तोरपा, रनिया और खूंटी के 15 मनरेगा मजदूरों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें 10 दिन में 4 दिन ऑफिस का होता है और 6 दिन इन लोग का मशरूम का क्लास होता है। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण पाने वाले मनरेगा मजदूरों ने इस दौरान काफी कुछ सीखा तथा प्रशिक्षण को लाभदायक बताया। मशरूम बताया गया जो पहले प्राकृतिक जो अपने आप उगता है वाला मशरूम, फिर कृत्रिम जो हम लोग अभी उगा रहे हैं। इस 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के समन्वयक ने बताया कि इन मनरेगा मजदूरों के स्वरोजगार और मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आय को दुगुनी कर सके। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा ग्रामीणों के लिए कोरोना काल में आजीविका का बेहतर साधन बन चुकी है और अब यह प्रोजेक्ट उन्नति इन मनरेगा मजदूरों की उन्नति के नए द्वार खोलेगा और ग्रामीणों की माली हालत ज्यादा बेहतर हो सकेगी। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। रांची स्थित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल सभागार में आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब द्वारा 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। राज्यपाल रमेश बैस और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान नेत्रदान करने वालों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। समस्या से ग्रसित हमारा देश भी इस महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कई लोगों को हमने खो दिया है। यह पीड़ा आसानी मुझे ज्ञात है कि कोरोना की दूसरी लहर का हमारे प्रदेश को भी गंभीर एवं मार्गी चुनौती का सामना करना पड़ा। अत्यधिक संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हुए। आज आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब द्वारा कश्यप मेमोरियल अस्पताल को नेत्रदान करने वाले के परिवार वालों को सम्मानित कर दिया जा रहा है। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 36 घंटे के दौरान बोकारो में सर्वाधिक 73 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 6 सितंबर तक वर्षापात के यही हालात बने रहेंगे। आज कुछ स्थानों पर भी आंधी और वज्रपात की संभावना है। इधर आजादी का अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतिकारियों को याद कर रहा है। आजादी के सफर में आज इस खास रिपोर्ट में देखिए महान तमिल योद्धा पुली तेवन के जीवन के संघर्षों को। योद्धा 1 सितंबर 1700 लोगों ने यानी चारों में से आज नीलकट्टुम सेवल इलाके के रूप। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं आज भारतीय पैरा एथलीट बैडमिंटन और तैराकी में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। तैराकी में आज पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक SB7 का फाइनल मुकाबला दिन में 1:30 पर आयोजित होगा। इसमें भारत की तरफ से सुयश जाधव हिस्सा लेंगे। दिन में 2:30 पर बैडमिंटन मिश्रित युगल के SL3 SU5 का ग्रुप मुकाबला आयोजित होगा। इसमें भारत की तरफ से
प्रमोद भगत और पलक कोहली की जोड़ी कोर्ट पर उतरेगी। बैडमिंटन में ही महिला एकल के एसयू 5 का ग्रुप एक के मैच में भारत की पलक कोहली अपना मुकाबला खेलेंगी। ये मैच शाम 5:10 में खेला जाएगा। वहीं 5:50 में पुरुष एकल के AL3 के ग्रुप मुकाबले में भारत की तरफ से प्रमोद भगत और मनोज सरकार कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं एथलेटिक्स में आज पुरुष क्लब थ्रो F51 का फाइनल आयोजित होगा। इस स्पर्धा में भारत के अमित कुमार सरोहा और धर्मवीर पदक की दावेदारी पेश करेंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, साथ ही सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का भी पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD News और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगी। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर से लगाना है। कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलना करना भी सही नहीं है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में कोरोना के 130 एक्टिव केस, शेष 12 नए मरीज मिले, 20 हुए स्वस्थ। देश में एक दिन में टीकाकरण का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पार। राज्यपाल ने राष्ट्र के विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को बताया अहम। जरूरतमंदों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की सुलभता के वास्ते सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। केंद्र सरकार की कोशिशों से GDP में बम्पर उछाल, पहली तिमाही में GDP के विकास दर में 20.1% का इजाफा। और खूंटी में मनरेगा मजदूरों की आमदनी दुगुनी करने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति की शुरुआत। 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में मजदूरों ने सीखे स्वरोजगार के गुर। सभी दर्शकों को अनामिका का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ हंसी नगमों के साथ, जिनका आपको बेसब्री से रहता है इंतजार। मौसम हंसी है तो क्यों न भला कुछ प्यार की ही बातें की जाए। प्यार में रूठने मनाने का सिलसिला भला कहाँ खत्म होता है, और रूठे सनम को कोई मनाए ना, ये भला प्यार ही कैसा। आइए देखें राजेंद्र कुमार को क्या मजा आ रहा है रूठे सनम को मनाने में। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का और भी आता है। फिल्म है आज का पंछी और इस मधुर गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत